यही कहना चाहूँगी, बहुत एक्साइटेड हूँ. हमारे डायरेक्टर पुष्पेंद्र जी और हम लोग 4 साल से साथ में एसोसिएटेड हैं. रोलिंग या नीचे रखने बेटा मुंबरा बना. सारा जी, अगर बात करें, सबसे पहले मुबारक हो आपको, ये फिल्म का मुहूर्त है. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म है, क्या किरदार है आपका? पुष्पेंद्र जी जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनके साथ 4 साल से एसोसिएटेड हैं और बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि फाइनली नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द सिनेमा हॉल प्रोजेक्ट. एंड आई होप एंड आई विश दैट द प्रोजेक्ट गोज़ वेल. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उन्होंने फिल्म में प्लान किए हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग हैं. और जो मेरा किरदार है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोगों को देखने मिलेगा जल्दी. सो आई एम जस्ट आई कैन जस्ट से दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. एजाज भी काफ़ी खुश है आपके साथ कि सारा की हमारी कैमरे. एजाज इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड और हम लोग एक दूसरे को काफ़ी इनफैक्ट 1-2 साल से जानते हैं. एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर. इनफैक्ट बीच में एक फिल्म थी जो एजाज खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे थे काम करने का, बट देन इट गॉट डिलेड फॉर सम रीजन. सो नाउ फाइनली वी आर वर्किंग टुगेदर, सो आई एम रियली एक्साइटेड. ये एक हॉरर मूवी है, अगर आपकी बात एक हॉरर मूवी है तो उसके बारे में क्या है, किस तरह किरदार के बारे में आपको बताया? मेरा जो किरदार है वो बहुत ही अलग किस्म का है और जिस तरह का किरदार मैं अभी प्ले करने वाली हूँ इस द सिनेमा हॉल में वो बहुत ही अलग है. एंड इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव प्लेड टिल नाउ. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट. दो खान है फिल्म में तो फिल्म तो अच्छी होगी. दो खान है तो अभी देखिए खान प्लस खान क्या होता है. क्या रनिंग प्रोजेक्ट क्या कहें आपके अभी, इसके अलावा रनिंग और क्या चल रहा है? ससुराल से मरका जिसमें आप आए भी थे और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत फनी लग रहा है. नहीं, कोई और फिल्म भी इसके अलावा? या यस ऑफ कोर्स, विद देम ओनली आई हैव 3 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. सो आई एम गोना वर्क विद देम फॉर 3 प्रोजेक्ट्स एंड लेट्स सी नाउ व्हाट एल्स मोर. थैंक यू. थैंक यू सर. बोलिए बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आज अपना मूवी के लिए पहुँचे? आज सारा की फिल्म का मुहूर्त है और मैं उसको यही कहूँगा कि गॉड ब्लेस यू और उसकी फिल्म बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिले क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, सबको पता है जैसे कि वो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है. तो बस बहुत ही धमाल करने वाली है स्क्रीन पर. आप उनके साथ काम कर चुके हैं, साथ में कैसी केमिस्ट्री रही आपकी और सारा और मेरी केमिस्ट्री बहुत ही एक मतलब मुझे लगता है कि अभी तक की बेस्ट केमिस्ट्री हम दोनों की है. और हम लोग तो मतलब सिर्फ आँखों में देख के ही डायलॉग्स उसी टाइम, अगर हमें चेंज भी करना है हम उसी सेट पे उसी टाइम डायलॉग बोलते बोलते हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो वो दूसरे लेवल की केमिस्ट्री है हमारी. सर एक टाइम बदल चुका है, सब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जंप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है कि जितने भी टेलीविजन एक्टर्स हैं अब गुरमीत हो या कोई भी, हाँ तो सब लोग अभी फिल्म में एंटर कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए. जैसे कि अभी मेरी भी फिल्म ख़त्म हो रही है और लास्ट शेड्यूल चल रहा है, तो इनफैक्ट एक सिनेरियो ऐसा था कि टेलीविजन एक्टर्स पे हो जाता था कि नहीं अब तो ये टेलीविजन ही करेंगे, फिल्म्स नहीं कर सकते, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा है कि टेलीविजन एक्टर्स फिल्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं फिल्म. ऐसा तो नहीं फिल्म छोड़ के फिर टीवी नहीं करेंगे, नहीं हम तो फिल्म के स्टार हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बहुत ही सिमिलर हो गया है टेलीविजन भी और फिल्म भी, और मुझे लगता है कि अगर आप टीवी करना चाहें तो आप टीवी कर सकते हैं, फिल्म्स करना चाहें तो फिल्म्स कर सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इस चीज़. थैंक यू सर.